हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की इस वीडियो में हम लेजेंड लीग में दोबारा से जाएंगे। इसी सीज़न के स्टार्टिंग में एक बार हम लेजेंड लीग में गए थे, उस टाइम टाउन हॉल 11 पे थे हम। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, 5001 ट्रॉफीज ऑल टाइम बेस्ट है। और बस हमें जब हमने साइन अप किया था लेजेंड लीग में, तो हमें 6 अटैक 6 डिफेंस मिले थे, लेकिन हम बुरी तरह से आ रहे थे। तो फिर मैंने टाउन हॉल 12 के लिए अपग्रेड किया, और अभी ये एक दो ट्रूप्स तो मैक्स आउट हो चुके हैं, लेकिन अभी बेस भी बहुत इम्पोर्टेंट है लीजेंड लीग में हमें बने रहने के लिए। तो जैसे कि आप अभी देख लीजिए कि टाइटन में अभी वैसे तो क्लाउडिंग की प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए थी इस अपडेट के बाद, लेकिन अपडेट में ये टाइटन की जो शील्ड थी उनका टाइम घटाया गया था, लेकिन अब भी ये 3 से 4 मिनट टाइटन फर्स्ट लीग में ले रहा था क्लाउडिंग में। तो ये काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही थी बेस मिलने में। तो फिर भी यहाँ पे मैं अभी बस 3 ट्रॉफी दूर हूँ लीजेंड लीग से, और देखेंगे अभी, और इसके बाद एक लाइव अटैक करेंगे, देखेंगे इसमें अगर 3 या 4 ट्रॉफी निकल जाती है तो लीजेंड लीग में हम चले जाएंगे, और अगर माइनस हो गए तो फिर तो 3 या 4 अटैक और करने पड़ेंगे। चलिए देखेंगे। वो अभी अभी क्वीन भी अपग्रेड पे है, तो ग्राउंड आर्मी तो यूज ही नहीं कर सकते, और वैसे भी अभी तो मुझसे इतना कुछ आता नहीं है। अभी मैं सेकंड टाइम में लीजेंड लीग पे आया हूँ, और अभी बेस भी मैक्स आउट नहीं है और आर्मी भी मैक्स आउट नहीं है। हीरोज फनल और चार्ज दोनों में काफ़ी काम आते हैं, इसीलिए मैं जल्दी से जल्दी सोच रहा हूँ कि मैक्स आउट कर लूँ। किंग 52 लेवल का है, और क्वीन तो अभी 40 के भी नहीं हुई है। वार्डन तो अभी बहुत कम लेवल का है, शायद 12 लेवल का है। हाँ, ये 12 का ही है। तो यहाँ पर अगर आप ईडी से अटैक करने जा रहे हैं तो पहले लूंग डाल के चेक कर लीजिए, अगर एयर माइंस भी तो वो काफ़ी ज़्यादा डैमेज देगी इलेक्ट्रो ड्रैगन को, तो उसे बजाने के लिए पहले ही देखना पड़ता है। मोस्टली बेसों पे ये रखा जरूर पाता है, ये बाहर की साइड में जहाँ से हम एयर अटैक कर सके, लावा लूम कर सके, या जो भी हम ड्रैगन यूज कर सके, वहीं पे ये माइंस जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये डार्क वाले जो एयर माइंस होते हैं ये काफ़ी डैमेज देते हैं। ये 2000 से ज़्यादा, ये शायद 2100 का डैमेज देती है, और वार्डन के तो ये एक एक ही एयर माइंस काफ़ी है आउट करने के लिए। और यहाँ पे 24% हो चुका है अभी। अभी ये रॉयल घोस्ट को यूज कर लेते हैं इसे डिफेंस को उड़ाने के लिए यहाँ से। ये डिफेंस तो चला गया, ये अगर आर्चर टावर वो निकल जाता तो काफ़ी अच्छा रहता। वैसे यहाँ पे एयर स्वीपर है, तो यहाँ से तो इलेक्ट्रो ड्रैगन डालने का फ़ायदा नहीं रहेगा, क्योंकि उनकी स्पीड भी काफ़ी कम रहती है। यहाँ पे बस एक स्टार निकल जाए, अभी तो 31% हो चुका है, तो 3 ड्रैगन और सीसी अभी बाकी है, और किंग भी अभी बाकी है, और स्पेल तो अभी काफ़ी बाकी है, तो इजीली 1 स्टार तो निकल जाएगा। बाकी देखेंगे, 2 स्टार तो नहीं हो पाएंगे। अगर ग्राउंड आर्मी होती और क्वीन भी हमारे पास होती तो इजीली हम क्वीन चार्ज कर सकते थे टाउन हॉल के ऊपर। और अगर आप ये इलेक्ट्रो ड्रैगन में आप यूज कर रहे हो, और स्टार्टिंग की 2 मिनट या 1.5 मिनट में आप 20% कवर कर लेते हो, तो लास्ट के 1 मिनट में आप 20% इजीली ले लोगे, अगर आपके पास हीरोज और एक तो स्पेल रेंज स्पेल बाकी है तो। और यहाँ पर तो सीसी भी बाकी थे, तो इजीली 1 स्टार आ गया। और ईगल किंग को डाउन करने में 2 या 3 बार यूज होएंगे, तो बस यहाँ पे 1 स्टार निकल गया। ये 6 ट्रॉफी मिली है, तो ये 5003 ट्रॉफी हो गई होगी। हाँ जी, ये ले हो गई है। यहाँ पे देखते हैं अभी कि
कि कितने अटैक हमको मिलेंगे और कितने डिफेंस मिलेंगे यहाँ पे लीजेंड लीग में जाने के बाद। अभी इसका मैं स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ। साइन अप टू लेजेंड लीग, तो चलिए करते हैं। पिछली बार तो यहाँ पे मुझे 40 से 50 मिनट का टाइम मिला था बेस मिलने में और वो अटैक मिलने में। अब की बार एस्टिमेट टाइम 4 मिनट 2 सेकंड, तो अब की बार तो काफ़ी जल्दी ही देखने को मिलेगा। तो 3 मिनट का टाइम है अभी, तो इसलिए चलो एक अटैक देख लेते हैं 2 स्टार का कोई। तो ये तो थोड़ा रस पीस हो गया। दूसरा देखते हैं कोई। मुझे तो एक तो 50 ट्रॉफी माइनस हुए थे एक बार 2 या 3 दिन पहले। तो चलिए इस पर देखते हैं। यहाँ पे देखिए एयरमाइंस रखा हुआ था। मैं इसीलिए इलेक्ट्रोड्रैगन के साथ ये लून्स लाता हूँ, जिससे कि मैं ये चेक कर सकूँ कि एयरमाइंस कहाँ पे हो सकती है। अब मैं वहीं पे डाल के देख लेता हूँ ताकि इलेक्ट्रो ड्रैगन बच सके। यहाँ पे इन्फर्नो सिंगल है, 2 इन्फर्नो सिंगल है और एक मल्टीपल का है। तो देखेंगे, क्वीन तो डाउन हो चुकी है। और यहाँ से अभी ए डिफेंस और खनन कर लेते हैं बात, ताकि अगर हम टाउन हॉल तक ना पहुंच सके तो 50% तो कवर कर ही ले, क्योंकि एक स्टार के लिए 50% भी लाना ज़रूरी है। और बाकी काम तो रॉयल गोस्ट कर ही देगा, क्योंकि ये 12 सेकंड के लिए इनविजिबल रहता है, तो इसका काफ़ी फ़ायदा मिलता है। जो मैक्स डिफेंस है उसको आउट करने में, देखिए एक रेज और एक इलेक्ट्रो ड्रैगन काफ़ी काफ़ी काम करता है इलेक्ट्रो ड्रैगन। एक बार में ये 5 बिल्डिंग को हिट करता है अगर वे साथ साथ ही है। और यहाँ पर वार्डन की एबिलिटी यूज कर लेते हैं एक बार, जिससे इन्हें बचाया जा सके। और ये इजीली 2 स्टार हैं आप, क्योंकि लेआउट तो ठीक था, लेकिन जो ये बिल्डिंग्स थी और ये सब कुछ डिफेंस, ये बिल्कुल लगा एक साथ लगा रखा था। तो ये इलेक्ट्रो ड्रैगन के लिए काफ़ी इजी हो जाता है एक बार के में दो दो तीन तीन डिफेंस को कवर कर लेता है ये। अगर आपको ऐसे ये बचाना है तो ओपन वे बना सकते हैं, जो पूरे पूरे इसे बेस को कवर करे। अगर आप ये छोटा बेस बिल्कुल दबा कर बेस को रखेंगे तो ये ईडी आपको एक बार के में 5-5 बिल्डिंग खाएगा। तो ये काफ़ी सोचने वाली बात है। वैसे मेरा देखिए मेरा बेस पूरा ओपन है, वैसे तो ये रस बेस है, लेकिन अभी तो इस पे NT 3 स्टार रहा है। कभी कभी जो मैक्स मैक्स आर्मी लेकर आते हैं तो वो कर देते हैं। तो यहाँ पे अभी 1 मिनट का टाइम है और देखेंगे इसके बाद कि कितने अटैक मिलते हैं। और यहाँ पे अब की बार फिर से 6 अटैक मिले हैं यहाँ पे और 6 डिफेंस मिले होंगे। और जो बैटल लोग हैं इसमें आपके आपकी ट्रॉफी भी दिखाई जाएगी कि डिफेंस में कितनी लॉस हुई है और आपने अटैक में कितनी गेन की है। और बाकी जो उसके ऊपर दिखाया जाएगा कि कितनी टोटल ओवरऑल माइनस हो या प्लस जितने भी होगी। और अगर आप अगर ज़्यादा माइनस खाते हैं तो आपको टाइटन में दोबारा से पहुँचा दिया जाएगा।